my hairstyle that I'm wearing today. So this is a Grecian braid which I have already taught you. I have done this already. Like the front portion won't be empty. I'm going to tie a pony. I'm going to use rubber bands like these. For making hairstyles, I use these rubber bands because these are very thin and they're not very visible. So in your hairstyles, these will mask. This is pretty loose. And like we have done already, I have already taught you the inverted ponytail in hollow section here in between this pony. And I'm going to flip all my hair through this. मैंने यहाँ पे चोटी को थोड़ा लूज रखा था, यहाँ पे एक खड्डा बनाया है और अब मैं पूरे बाल इसके अंदर से नीचे से निकालने वाली हूँ. Yes, can you see that? So that effect is also created. Now what I'm going to do is, इसको मैं ऐसे पकड़ूंगी, एक मेरे लेफ्ट हैंड से मैं ऐसे पकड़ रही हूँ एंड आई एम गोइंग टू अगेन फ्लिप ऑल माय हेयर थ्रू इट. इसके अंदर डाल दूंगी, जो खड्डा है ऑलरेडी उसके अंदर डालना है और उसको नीचे से हमें निकालना है. अगर आपके बाल छोटे हैं तो आपके इतने सारे बाल बाहर नहीं आएंगे, यहीं पे आपका ये बन फिनिश हो जाएगा. एंड कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगी. ये जो बाल बचे हैं इनको आप वापस से इसके ऊपर एक लेयर लेके और इसको इसके अंदर यहाँ पे डालेंगे एंड यू कैन सी इट्स ऑलरेडी डन. इसको थोड़ा सा स्प्रेड आउट कर देंगे हम और जहाँ पे मैंने सारे बाल अंदर डाले पिन से सिक्योर करना है. वी हैव जस्ट यूज्ड, इसमें हमने सिर्फ एक रबर बैंड और दो बॉबी पिन यूज की है और जैसे मैंने बोला सामने से मैं फ्लैट ना लगूं इसलिए मैंने ऑलरेडी ये हेयर स्टाइल कर चुकी थी. सो यू कैन सी हाउ प्रिटी दिस लुक्स. अब इसको डेकोरेट करने के लिए है विच यू कैन जस्ट पुट इट हियर और व्हाट यू कैन डू इज यू कैन पुट सम फ्लावर्स. आई थिंक फ्रेंड्स आई डोंट हैव अ मिरर, आई कांट सी व्हाट हाउ द हेयर स्टाइल इज. प्लीज कॉमेंट एंड लेट मी नो हाउ इट इज. और अगर आपको कुछ डाउट्स हैं तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं और इफ़ यू लाइक द हेयर स्टाइल प्लीज़ पुट अ थम्स अप और प्लीज़ पुट अ कमेंट हाउ इट लुक्स.